गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। आज इस क्लास में जो हमारा चैप्टर नंबर 7 रनिंग में था इंटीग्रेशन, उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। मीन्स दैट एक्सरसाइज 7.2 के जो फर्दर क्वेश्चंस है वो हम लोग इस सेक्शन के अंदर लेंगे। तो 17 क्वेश्चन तक आई थिंक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है ईरेज पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² dx। नाउ हियर व्हाट इज द फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स आल्सो एग्जिस्ट। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला मेमोराइज्ड है, टेन इनवर्स एक्स को अगर टी कंसीडर करें तो 1 / 1 + x² dx क्या हो जाएगा यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर, dt। तो ई रेज पावर टेन इनवर्स एक्स की जगह हम लोगों ने क्या पुटअप कर दिया, टी, 1 / 1 + x² dx, इसकी जगह क्या आ गया, डी टी। एंड सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ई रेज पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स होता है प्लस सी ई रेज पावर टी। अगेन लास्ट में ये वैल्यू पुट मत करना, भूलना, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, बिकॉज क्वेश्चन एक्स में है वेरिएबल में, आंसर भी एक्स वेरिएबल में ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इरेज पावर 2x - 1 / e^2x + 1, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्टली कुछ टी कंसीडर करने से कुछ डी टी नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें एक स्टेप आपको सॉल्व करने के लिए हिंट जो है वो मेमोराइज भी रखने पड़ते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप मालूम चल जाएगा। अगर यहाँ हम लोग ई रेज पावर 2x को लिख सकते हैं ई रेज पावर एक्स माइनस वन, ई रेज पावर एक्स प्लस वन। और ध्यान रखें, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ वही क्वेश्चन आने के जो है चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनमें एक ट्रिक इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ से ई रेज पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ नहीं है तो भी कॉमन ले रहे हैं जबरदस्ती। तो अगर मैं यहाँ से ई रेज पावर एक्स न्यूमरेटर में से कॉमन लूँ तो यहाँ ई रेज पावर एक्स बचा है। अब यहाँ था नहीं और कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या होएगा, डिवाइड, जनरल सा रूल है। आप चाहें तो वापस मल्टीप्लाई करके देख लें। नाउ इरेज पावर एक्स से इरेज पावर एक्स कट, इरेज पावर एक्स 1 / इरेज पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, इरेज पावर माइनस एक्स अपॉन इरेज पावर एक्स प्लस इरेज पावर माइनस एक्स। अब देखो इतना स्टेप सॉल्व करने से क्या हुआ, नीचे के फंक्शन को अगर टी कंसीडर करें तो न्यूमरेटर डी टी बन जाएगा, अदरवाइज नहीं हो रहा था। ओके, तो इरेज पावर एक्स का डिफरेंशियल इरेज पावर एक्स, इरेज पावर माइनस एक्स का माइनस इरेज पावर माइनस एक्स, देन ब्रैकेट क्लोज एक्स डी एक्स, एंड टी का डेरिवेटिव डी टी। तो क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर क्या बन चुका है, डी टी, और डिनोमिनेटर क्या है, टी, dt और u1 upon t। तो 1 / x dx फॉर्मूला होता है log of x, तो log of modulus of t plus c। now log again t की वैल्यू पुट कर दीजिए, e raise power x minus e raise power minus x plus c, and that will be our final answer. clear? next question number 20। अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन, बट इसके अंदर आपको कुछ कॉमन वगैरह लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ही इंटीग्रल है इरेज पावर 2x माइनस इरेज पावर माइनस 2x, इरेज पावर 2x प्लस इरेज पावर माइनस 2x dx। तो यहाँ तो क्लियरली डायरेक्टली नीचे के फंक्शन डिनोमिनेटर को टी कंसीडरेशन करें तो न्यूमरेटर डी टी बन जाएगा। इरेज पावर 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, इरेज पावर 2x इंटू 2, इरेज पावर माइनस, तो माइनस ई रेज पावर माइनस 2x इंटू 2, और साथ में ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू dt। नाउ 2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ई रेज पावर 2x माइनस ई रेज पावर माइनस 2x इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, dt अपॉन 2, ये 2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो रही है, dt, और ये अपॉन 2 बार लिख देता है, कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर को आप लोगों ने क्या कंसीडरेशन किया, t। अगेन इसका फॉर्मूला क्या, log of t plus c, एंड लास्टली log
e की वैल्यू पुट कर दीजिए, e रेज पावर 2x प्लस e रेज पावर माइनस 2x प्लस c, दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट लेते हैं इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वायर। ओके, तो ये अगर आप लोगों को मेमोराइज्ड हो तो सिंपल सा एक टेन स्क्वायर एक्स आया था हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में, और कल के जो डाउट सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने, मैंने पूछा भी था कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो कई लोगों का आंसर था क्या कर दो, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दो, फिर sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटीग्रेशन और वन का क्या हो जाएगा एक्स। कई लोग अभी भी वन का इंटीग्रल जीरो जवाब देते हैं, जीरो नहीं होता, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, वन का इंटीग्रल एक्स होता है, प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ हुआ कुछ नहीं, देखें ये क्वेश्चन रहा, अब मैं इसको विदाउट इतना पूरा किए हुए भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, चाहे तो इसी मेथड को फॉलो कर लीजिएगा। तो सेम प्रोसेस, अभी यहाँ एक्स की जगह एक्स का एक न्यूली फंक्शन है, क्या है टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री, एक्स नहीं है, एक्स का अनदर फंक्शन है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x माइनस थ्री माइनस वन डी एक्स, वही टेंथ क्लास के फॉर्मूले से। नाउ sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा टेन, x ना होके x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा टू। अब अगर डिफ्रेंशिएशन होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बट इसका डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन में लगाना क्या है, इसका डिवाइड लगाना है, माइनस वन का इंटीग्रल एक्स और ये प्लस ये आंसर। नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 22, ये तो इजी हो गया एकदम सही, देखना कुछ भी कंसीडर नहीं करना आप, देखना इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर सेवन माइनस फोर एक्स डीएक्स। तो अभी अभी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या होता है tan x, तो यहाँ sec स्क्वायर का क्या होगा पहले tan ऑफ 7 माइनस 4x, अभी x ना हो के x का फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएट करें, 7 का 0 माइनस 4x का होगा माइनस 4, सिंस माइनस 4 आया तो इसका क्या जाएगा यहाँ पर डिवाइड जाएगा प्लस c और ये आंसर। तो इतना जब ओनली x की जगह x का अनदर फंक्शन हो ना तो ये इतना कंसीडरेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 23 क्वेश्चंस लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो अब अगर मालूम हो किसी को कि साइन इनवर्स एक्स को टी कंसीडर करें तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है, मींस दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए। तो देखो मल्टीप्लाई वन, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या आ गया dt, और साइन इनवर्स एक्स की जगह हम लोगों ने कंसीडर किया था t। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा x रेज पावर n dx, तो क्या होता है n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c, तो हुआ t स्क्वायर बाई टू प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स रेज पावर टू अपॉन टू प्लस सी एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो जब भी कॉस एक्स साइन एक्स एडिशन में और ऊपर जस्ट सिर्फ साइन चेंज हो रहे हो तो दिमाग लगा लेना, नीचे वाले को t कंसीडर करोगे ऊपर वाले dt बनेगा कुछ ना कुछ। तो क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स। फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए क्या है, यहाँ सिक्स है और यहाँ फोर है, दोनों में कॉमन क्या आएगा टू, तो ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स को टी कंसिडर किया, तो थ्री कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन एक्स, प्लस टू साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, एक्स का हो गया डी एक्स डी टी। तो देखो माइनस थ्री साइन एक्स और प्लस का टू कॉस एक्स डी एक्स, ये कंप्लीट न्यूमरेटर हमारा क्या बन चुका है डी टी अपॉन में क्या है टी, तो वन बाई टू डी टी बाई टी का क्या होगा लॉग ऑफ टी प्लस सी,
अब लास्टली t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 cos x plus 2 sin x एंड दैट विल बी आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25th लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, तो क्यों ना 1 अपॉन cos स्क्वायर x को क्या लिख दें, sec स्क्वायर x 1 माइनस tan x रेज पावर 2 एंड dx। अब देखो tan x का डिफरेंशियल ये होता है और ये कांस्टेंट है, तो इसको अलग से क्यों छोड़ें, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, पहले 1 माइनस tan x कंप्लीट को कंसीडर कर लिया, 3 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ dt अपॉन में क्या t स्क्वायर। अब अगर मैं इस t स्क्वायर को ऊपर लूं तो t रेज पावर माइनस 2 dt, t रेज पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। अब देखो ये माइनस 1 होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हुआ t रेज पावर माइनस 1 जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई t प्लस c। लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दो अगेन, तो 1 अपॉन 1 माइनस tan x प्लस c, यानी ये हमारा आंसर हो जाना है। लीजिए रूट एक्स और रूट एक्स डिवाइड में, जब भी ये आ जाए, सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने आप लोगों को बता रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स। तो हम लोग क्या करें, पूरे को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ कहीं साइन नहीं पड़ा है, ओनली रूट एक्स को क्या कंसीडर करेंगे, टी कंसीडर करेंगे, 1 बाई 2 रूट एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, यानी 1 बाई रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 डिवाइड का इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कॉस टी ये 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इसकी जगह 2 डी टी प्राइस ऑफ कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी प्लस सी प्राइस ऑफ साइन टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस सी, दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लीजिए साइन है और कॉस भी है, दोनों ही हैं, तो क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x कॉस 2x dx। तो बस पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन 2x को क्या कंसीडर कर लो, t कॉस 2x इंटू 2 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ t cos 2x dx, तो cos 2x dx की वैल्यू क्या होगी, dt अपॉन 2। अब रूट टी यानी स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर कितनी आएगी, हाफ, इसका कितना होगा, हाफ प्लस 1 मींस दैट 3 बाई 2 अपॉन 3 अपॉन वाला 2 यहां भेज दिया प्लस सी, 2 से 2 कट, लास्टली टी की वैल्यू पुट करो और ये आंसर फाइंड करो। ट्वेंटी एट देखें, नीचे साइन है ऊपर कॉस एक्स है, इतना सिंपल सा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को कंसीडर किया टी, तो साइन एक्स 1 का 0, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी, तो डी टी अपॉन रूट टी। जब रूट टी को ऊपर भेजोगे टी रेज पावर माइनस हाफ, इंटीग्रल क्या होगा, माइनस हाफ प्लस 1 मीन्स दैट कितना होगा, प्लस का हाफ और नीचे भी प्लस का हाफ प्लस सी। अभी इस वाले 2 को तो यहाँ भेज दिया, रूट टी का मतलब ये हो गया प्लस सी, बस टी का वैल्यू पुट कर दो और आंसर ले आओ। लीजिए अच्छा क्वेश्चन, और यहीं पर आपके एक फॉर्मूला भी छुपा हुआ होगा जो कि आगे काम भी आएगा, cot x log of sin x dx। ओके, अब आप लोगों को बताता हूं मैं पहले log of sin x का डिफरेंशियल, क्योंकि अभी फॉर्मूला बनाएंगे आगे जस्ट, अगर इसका डिफरेंशियल करें तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन x, अभी x ना हो क्या, x का फंक्शन है, तो sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x, cos by sin क्या होता है, cot x, means that log ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, cot x, तो इंटीग्रल ऑफ cot x क्या होगा, log ऑफ साइन एक्स, आगे आएगा ये फॉर्मूला। तो यहां पर आप लोगों का दिमाग में log ऑफ साइन एक्स,
भाई इसका इंटीग्रल ये होता है तो जाहिर सी बात है इसका डेरिवेटिव ये होगा, जस्ट आगे टेन कॉट सेक और कॉस एक्स सबके फॉर्मूले आएंगे। तो यहां पर हम लोगों को अगर बाय इंस्पेक्शन ही मालूम चल जाता है कि अगर मैं इसको टी कंसीडर करूं तो इसका डेरिवेटिव कॉट एक्स यहां प्रेजेंट है, इसका डिफरेंशियल करो लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो अभी एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, तो अगेन फर्दर डिफरेंशियल साइन एक्स डिफरेंशियल कॉस एक्स ब्रैकेट कंप्लीट डी एक्स इक्वल टू डी ए कॉस बाय साइन कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हुआ क्या कॉट एक्स डी एक्स इसकी जगह क्या लिख दिया डी टी और लॉग ऑफ साइन एक्स की जगह लिख दिया टी। अब टी रेज पावर वन का कितना होगा टी रेज पावर टू बाई टू प्लस सी लास्ट टी की वैल्यू पुट कर दो वही हमारा आंसर हो जाना है। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन इजी है, अभी अभी जस्ट किया था 1 प्लस कॉस एक्स को टी कंसीडर करोगे साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा तो डी टी बाई टी का हो जाएगा लॉग टी और ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 31 और आज के सेशन का मैं लास्ट क्वेश्चन रखता हूँ उसको। इंटीग्रल ऑफ ये भी देखो सेम ही साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या करो 1 प्लस कॉस एक्स को टी कंसीडर कर लो 1 का 0 कॉस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स एक्स का डी एक्स और ये डी टी साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी और अपॉन में क्या है टी स्क्वायर ऊपर ले जाओ टी रेज पावर माइनस टू डी टी तो कितना होगा इसका टी रेज पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये माइनस वन इस माइनस से कट हो जाएगा और ये आंसर देगा वन अपॉन टी प्लस सी, ये लास्ट टी की वैल्यू पुट करें आंसर लेके आए। ओके